मोतिहारी के एक गांव में एक दबंगई देखने लायक है। जहां महसी के हरे राम कोठी गांव में एक दबंग व्यक्ति ने अपनी दबंगई व दुस्साहस का परिचय देते हुए गांव की सड़क पर ही पोखर का निर्माण कर मछली पालन तो करता ही है, साथ में लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ भी। तस्वीरें देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि एक व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी बीच गाँव में। बता दें कि इसी पोखर के पानी में इस गांव में एक युवक की डूबने से भी मौत हो चुकी है, साथ में इसके बगल में गांव का आंगनबाड़ी केंद्र भी है। लेकिन ग्रामीणों के लाख प्रयास के बाद भी दबंग मुन्ना मियाँ किसी की नहीं सुन रहा है व प्रशासन का भी उसे डर नहीं है। लेकिन अब ग्रामीणों ने भी ठान लिया है कि अवैध पोखर को हटाए बिना चैन की सांस नहीं लेंगे, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण गोलबंद हुए व पोखर के पास जमकर प्रदर्शन किया व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। मामला है कि यह पहले से यह रास्ता था, सरकारी रास्ता है, लगभग हम लोग का जन्म नहीं है उसके पहले से है रास्ता, सैकड़ों बरस से यह रास्ता है। आया माटी खनवा करके और उसको झांकी धरवा करके यह सरकार आम गर मजरुआ है का हो, आम गर मजरुआ में यह मछली पालन किया, जिससे दो लड़का, एक इसके पहले एक लड़का डूब गया उसमें। अच्छा, पानी जो लगा हुआ है गड्ढे के कारण लगा, गड्ढे के कारण लगा हुआ है। यहाँ आंगनबाड़ी बना हुआ है सरकार के द्वारा, यहाँ आगे यहाँ फील्ड था। गड्ढा किनके द्वारा कराया गया? मुन्ना मिया के तरफ से कराया गया। लगभग कितना दिन हो गया? लगभग ये हो गया एक डेढ़ साल का हो, दो बरस मान के चलिए। कहना यही है कि यहाँ तमाम जनता लोग खड़ा है, इन लोगों से पूछ लीजिएगा, हमारा खनवाया हुआ नहीं है। अच्छा, वो है मटखोनवा। लोग टोकरिये टोकरिये माटी खन करके, अच्छा, लोग ले जाते हैं माटी खन करके गहरा हुआ है वो। अच्छा, हमारा ठीक है, मान लीजिए एक मिनट, वो हमारा निजी जमीन नहीं है कि कोई माटी खनने जाएगा तो हम उसको रोक देंगे, वो सरकारी जमीन है। अच्छा, लोग जाता है टेलर से माटी खन के अपना दूरा भरता। अच्छा, है तो हम नहीं रुकेंगे। अभी उसमें मछली पालन का काम किनके द्वारा किया जा रहा है? मछली पालन का काम राम परवेश सनी, हम लोग हमारे खेत के नीचे हम लोग बच्चा लेके छोड़ दिए हैं। अच्छा, उसमें जाल भी घेरे हुए हैं हम, और झांकी भी रखे हुए हैं। हाँ, झांकी रखे हुए हैं। आप ही के द्वारा ना हो रहा है? जैसा कि आपने साफ तौर पर सुना कि मुन्ना मियाँ ने साफ तौर पर कहा कि पोखर नुमा जमीन उसके खेत के सामने है, गड्ढा मैंने नहीं किया है, गड्ढा अपने आप हुआ है जिसमें मैं मछली पालन करता हूँ, ये बात खुद मुन्ना मियाँ ने कही। वहीं ग्रामीणों ने मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। देखना होगा कि प्रशासन मामले में हस्तक्षेप करती है या नहीं। मोतिहारी से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट।